डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एमए पॉल साइंस सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं बहुत ज्यादा समय तो इस पे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो डियर स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ 2018 से बने हुए हैं, उनके लिए एक छोटा सा हेल्प, एक स्मॉल कर्सी ऑन माई पार्ट, कि उनके कुछ जो थीम है, जो उन्हें डिफिकल्ट लगते हैं, जो वो रिक्वेस्ट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये सेकेंड उस सीरीज में है, उस तरह का एक छोटा एक्सप्लेनेशन जो सुदीप्ता कविराज की जो बुक है द ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन स्टेट, उस पे बेस्ड है। उसकी एक्सप्लेनेशन है, पर्टिकुलरली उसके फर्स्ट टू चैप्टर्स का जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है। सो लेट अस बिगिन दिस स्मॉल डिस्कशन एज ए पार्ट ऑफ स्मॉल हेल्प फ्रॉम माई साइड। देखिए, इस ऑथर को समझना आपके लिए जरूरी है। इनकी ब्रीफ बायोग्राफी यहाँ पे है। सुदीप्ता कविराज जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनका लीनिंग देखिए, ये साउथ एशियन अफ्रीकन स्टडीज में पढ़ाते हैं, मिडिल ईस्टर्न में, और ये सबअल्टर्न, यहाँ पे आप देखिए, ये सबअल्टर्न स्टडीज स्टडी कलेक्टिव के जो है मेंबर भी हैं। और इनका जो जो इंटरेस्ट है वो पोस्ट कॉलोनियल एंड सबअल्टर्न स्टडीज में है। इससे आप क्या समझ सकते हैं कि ये मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड है। पहले आप इस चीज को समझिए, लेफ्ट ओरिएंटेड थॉट के आर्टिकल को आपको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो इनहेरेंटली एंटी लिबरल है, मतलब एंटी लिबरलिज्म है, कहीं एंटी लिबरल नहीं करना चाहिए, एंटी लिबरलिज्म है, जो जिस लिबरलिज्म ने कॉलोनिज्म को थोपा हम लोगों पे, तो वो थोड़ा क्रिटिकल होते हैं लिबरल डेमोक्रेसी पे, उनके इंस्टीट्यूशन पे एंड ऑल मॉडर्निटी डिस्कोर्स पे इन जनरल। एंड सबअल्टर्न जो पॉलिटिक्स है, जिसको जेम्स स्कॉट ने इंफ्रा पॉलिटिक्स कहा, आप याद कीजिए, उस तरह को ये प्रेशर देते हैं कि गरीब गुरुआ, मार्जिनलाइज, दबे कुचले लोग, वो कैसे पॉलिटिकल स्पेस में अपना स्थान बनाते हैं। इस पर इसके पहले कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते, जो बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है यूएस में, न्यूयॉर्क में, उसके पहले उन्होंने अपने यहाँ पढ़ाया है जेएनयू में, वहीं से उन्होंने पीएचडी किया, और इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी पढ़ाया है। इनके जो बुक हैं वो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट में पूछते हैं। ये मैंने क्रोनोलॉजिकल दिया हुआ है, तो आप क्रोनोलॉजिकल भी याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड बुक जो है ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन स्टेट है, जिसपे की ये स्मॉल डिस्कशन बेस्ड है। बेसिकली सुदीप्ता कविराज कहना क्या चाहते हैं इस बुक में, पर्टिकुलरली फर्स्ट टू चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, और उससे वो टोन सेट होता है। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि जो डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी है, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है कि मॉडर्निटी जो इनलाइटनमेंट से निकलता है, यूरोपियन, जिसमें कॉन्सेप्ट है रीजन, रैशनलिटी, साइंटिफिसिज्म, वो आगे आ जाता है, रिलीजियस थियोलॉजीज जो है वो पीछे छूट जाती है, जो जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है जो इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड है, जो राइट्स पे बेस्ड है, जो रीजन रैशनलिटी पे बेस्ड है, जो कि नेचर को कंट्रोल करने पे बेस्ड है, जो मटेरियल प्रोग्रेस पे बेस्ड है, वो मॉडर्निटी का डिस्कोर्स है, जिसमें कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट में डेमोक्रेसी जुड़ जाता है, पर्टिकुलरली लिबरल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक फील्ड में कैपिटलिज्म आ जाता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी आ जाती है, एंड सोशल स्ट्रक्चर में जो है एक वैल्यू प्लूरिज्म की, हर आदमी को अपने तरीके से जीवन जीने का हक है, और पर्टिकुलरली इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ये सब मिल करके मॉडर्निटी का डिस्कोर्स बनाते हैं। वो मॉडर्निटी का डिस्कोर्स को एक तरह से यूनिवर्सल और रैशनल प्रोजेक्ट यूरोप में माना गया, मतलब ये माना गया कि ये इसको एक वेंडिंग मशीन की तरह हम अफ्रीका से लेकर टिम्बक्टू तक ट्रांसफर कर सकते हैं, और वहां मॉडर्निटी जो है वो फ्लरिश कर जाएगा। सेम मॉडर्निटी जो इनलाइटनमेंट में यूरोप ने देखा, वही वहां भी हो जाएगा, यदि वही सारी प्रोसेसेस को वहां पे किए जाए तो। इसको सुदीप्ता कविराज फॉल्टी एजम्पशन मानते हैं। उनका कहना है कि मॉडर्निटी हैज मल्टीपल पाथवेज, एक रास्ता नहीं है, कई तरीके से मॉडर्निटी कोई सोसाइटी अचीव कर सकता है, और उसका वैरीड आउटकम हो सकता है, उसका सेम आउटकम नहीं होगा जो कि वेस्टर्न यूरोप में देखा गया। डिफरेंट सोसाइटीज हैव अडॉप्टेड यूरोपियन मॉडर्निटी इन देयर ओन यूनिक वेज, अलग अलग तरीके से जो है मॉडर्निटी को अपनाया डिफरेंट सोसाइटी ने, और इवन यूरोप में कविराज कहते हैं कि मॉडर्निटी मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट रीजन डिफरेंटली। ईस्टर्न यूरोप में, रसिया में अलग तरीके से मॉडर्निटी आई, वो बहुत डिफरेंट था जो वेस्टर्न यूरोप में आई, जो साउदर्न यूरोप में आई वो बहुत अलग था, इवन एक कंट्री में, इटली में, नॉर्थ एंड साउथ में बहुत का डिफरेंस है,
तो इस तरह से वो इसको डिक्राई करते हैं कि ये जो मॉडर्निटी का जो प्रोजेक्ट है वो कोई यूनिवर्सल नहीं है, और यूनिवर्सली वो हर जगह उसको रिप्लिकेट या एक तरह से समझिए कि उसको दोहराया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे आते हैं इंडिया के केस में कि ऑफ कोर्स इंडिया में मॉडर्निटी जो है वो कोलोनियल रूल, ब्रिटिश कोलोनियल रूल में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये इंडियन मॉडर्न, इंडियन स्टेट, इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन डेमोक्रेसी के फॉर्म में सबसे ज्यादा सामने आता है। मतलब तीन यदि आप देखिए कि मॉडर्निटी का इंडिया में प्रादुर्भाव, तो मॉडर्न इंडियन नेशन स्टेट, जो भावना है इंडियन नेशनलिज्म की और या इंडियन नेशन कहिए एंड डेमोक्रेसी, ये तीन जो है हमारा प्लेकार्ड है मॉडर्निटी का इंडिया में। लेकिन कविराज कहते हैं कि ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड मूवमेंट्स हैव यूनिक ट्रेजेक्ट्री एंड फीचर्स इन इंडिया। ये अलग तरीके से ये ट्रेवल करके, डिफरेंट पाथ, डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री से ट्रेवल करके इंडिया में ये इस्टेब्लिश हुए, एंड दे हैव वेरी डिफरेंट फीचर्स। उसके करेक्टरिस्टिक बहुत अलग हैं उनसे जो वेस्टर्न इक्विवेलेंट उसके माने आते हैं। तो यू कैन नॉट कंपेयर इंडियन नेशन स्टेट विथ यूरोपियन नेशन स्टेट, इंडियन नेशनलिज्म विथ यूरोपियन नेशनलिज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी विथ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। ये बेसिकली इनका कहना है। अब ये तीन जो प्लैकार्ड है ना उसको लेके आगे बढ़ते हैं। एक है मॉडर्न इंडियन स्टेट, दूसरा है इंडियन नेशनलिज्म और तीसरा है इंडियन डेमोक्रेसी। और जो अभी मैंने कहा कि कैसे वो डिफरेंट ट्रेजेक्टरी से यहाँ पे वो फॉर्म हुआ है ये तीनों मॉडर्न फिनोमेना, और कैसे ये अलग है, इसी को बेसिकली अब हम लोग देखेंगे उनके इस बुक में, वही कहा गया है। सो अभी भी मॉडर्न इंडियन स्टेट को देखिए, तो इसको दो स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उनके थॉट को। कविराज कहते हैं कि जो कॉलोनियल रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ वो एक पिकुलियर साय में स्टार्ट हुआ, जहां पे कि जो सोशल पावर था वो कास्ट सिस्टम के अंदर जो है वो अरेंज था, और वहां पे सोशल और पॉलिटिकल रियल अलग अलग था। जो मुगल थे वो पॉलिटिकल रियल में सॉवरेन थे, लेकिन सोशल रियल उन्होंने छोड़ दिया था कास्ट सिस्टम पे, या इवन मुस्लिम के अपने जो जुरिस्प्रूडेंस था उनका शरिया एंड अदर, मतलब वो सोशल रियल में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वो गांव का जो कास्ट पंचायत खाप होती थी और जो जमींदार होते थे, लोकल राजा होते थे, वही कस्टोडियन थे वहां के सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ट्रेडिशन के। मुगल का दखल वहां पे नहीं था, वो पॉलिटिकल रियल में अपने को मैनेज करते थे और इकोनॉमी में अपना वो लैंड रेवेन्यू और अदर्स पे करते थे। इस तरह के एक पिकुलियर सेपरेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रियल में कॉलोनियल पावर जो है इंडिया में इंटर करता है, कविराज कहते हैं। अनदर फीचर ऑफ प्री कॉलोनियल पॉलिटिकल सिस्टम वॉज लेयर्ड हायरार्किकल अथॉरिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में कविराज कहते हैं कि, और ये सही भी है, आपने पढ़ा भी होगा कि मुगल का जो शासन था वो बहुत ही लेयर्ड था। ऐसा नहीं था कि एक दिल्ली में बैठा हुआ मुगल एम्परर पूरा इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि विलेज में पंचायत वो सब सारा कुछ देखती थी, और जमींदार जो लोकल होते थे वो उसके एक तरह से लंबरदार होते थे, या कह लीजिए जमींदार के अथॉरिटी के साए में पंचायत काम करती थी। उसके ऊपर जो है लोकल राजा होते थे। लोकल राजा जो है आप समझ सकते हैं एक बड़ा मतलब कि जमींदार या लैंड लॉर्ड जो कि 10 जमींदारों को कंट्रोल करता है, उस तरह का लोकल राजा होते थे जो मुगल के लिए जो है उस इलाके में एक तरह से वो मुगल के अंडर में उस इलाके को राज का चलाते थे। उसके बाद रीजनल किंगडम होता था, मतलब राजा जो है खुद रिपोर्ट करते थे रीजनल किंगडम, जैसे कि हैदराबाद में है वो निजाम जैसा है, बंगाल में है। तो रीजनल किंगडम जो है एक फीचर था, जैसे कि हैदराबाद में, बंगाल में, अवध में, आपने देखा बाद में तो वो एकदम बिल्कुल फ्री जैसे हो गए, लेकिन जब मुगल थे तब भी आप याद कीजिए कि राजपूताना का अपना अलग रीजनल किंगडम था, सब वो मुगल के अंदर थे, और फिर एक सेंट्रल एम्पायर होता था। तो इस तरह का लेयर्ड जो है हिरार्किकल अथॉरिटी थी, ये मोर मोर लाइक जो है मॉडर्न फेडरलिज्म के जैसा था, ना कि कोई एब्सोल्यूट स्टेट सॉवरेंटी नहीं थी, ये कविराज कहते हैं। ड्यू टू दिस ब्रिटिश रूल वॉज स्टार्टेड बाई ए ट्रेडिंग कंपनी विच गॉट राइट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन विदाउट टेकिंग ओवर द पॉलिटिकल पावर। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट था जहां के सोशल पॉलिटिकल रियल अलग अलग था और बहुत ही लेयर्ड एक हायरार्किकल पॉलिटिकल सिस्टम था, इसीलिए कविराज कहते हैं कि एक बहुत पिकुलियर चीज हुई
हिस्ट्री में आपको पता है कि बंगाल की जो दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्शन राइट वो कंपनी ने ले लिया मुगल से, और उस समय से एक तरह से वो रेवेन्यू कलेक्टर बन गए विदाउट टेकिंग ओवर द पॉलिटिकल पावर। आपको पता है कि 1857 तक मुगल ही राज करते रहे, पॉलिटिकल सॉवरिनटी उन्हीं के पास रही, लेकिन उनके दीवान के रूप में जो है एक कंपनी जो एक कॉरपोरेट कंपनी थी वो राज का चलाती थी। ये इसलिए संभव हुआ कविराज कहते हैं क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल रियल, इकोनॉमिक रियल और सोशल रियल, ये सब रिलीजियस रियल में सब बहुत सेपरेट था। तो यदि आप इकोनॉमिक रियल में यदि आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकली कोई और सॉवरेन है, आप जो है इकोनॉमिक उसके लिए कलेक्शन कर रहे हैं और रेगुलेशन कर रहे हैं। इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस पिकुलियर लेयर्ड अरेंजमेंट। तो इस तरह के साय में इंडियन स्टेट डेवलप करता है। लेकिन आफ्टर 57 जो है ब्रिटिश रूल डायरेक्ट हो गया इंडिया में, मुगल पावर्स से उन्होंने पॉलिटिकल सॉवरेंटी भी ले ली, तब उन्होंने जो है एक ट्रू सेंस में स्टेट जो एब्सोल्यूट स्टेट सॉवरेंटी जो होती है वो एस्टैब्लिश करना शुरू किया। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो बनाए रखा कि स्फेयर ऑफ सोशल लाइफ को अलग अलग रखा, सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक पॉलिटिकल को अलग अलग बनाए रखा, और केवल एक जो है उसमें से पॉलिटिकल था जिसको कि उन्होंने पूरी तरह से सॉवरेंटी उस पे एस्टैब्लिश किया। सोशल रियल को इवन ब्रिटिश लोगों ने भी टच नहीं किया। सो ब्रिटिश रूल फॉर्म मॉडर्न इंडियन स्टेट फ्रॉम द स्क्रैच, ये भी सही है, कोई इसका हिस्ट्री नहीं था, वहां पे मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनाया, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट जैसा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑल, सब मॉडर्न पुलिस आर्मी, ये सब जो है क्रिएट किया गया फ्रॉम स्क्रैच। इन यूरोप राइज ऑफ सच एब्सोल्यूट स्टेट वॉज सपोर्टेड बाय द टेक्निक ऑफ डिसिप्लिनरी पावर। ये मिशेल फूको को याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है डिसिप्लिनरी पावर, जिससे कि आपको गवर्नेबल सब्जेक्ट बनाया जाता है प्रिजन में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसेज में, हर जगह आपको जो है कैसे डिसिप्लिन किया जाता है जिससे आप नॉर्मलाइज हो जाए। तो वही कहते हैं कि इस टेक्निक का यूज किया यूरोप में एब्सोल्यूट स्टेट ने। इसके साथ में जो है नेशनलिज्म ने सपोर्ट किया वहां पे, डेमोक्रेसी ने सपोर्ट किया, और वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना ने उसको एक सुप्रीम स्टेट बनाया। इंडिया में भी ये सब उन्होंने करना चाहा, लेकिन इंडिया की पिकुलियर बैकग्राउंड जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके चलते यहाँ एक अलग तरीके से इंडियन स्टेट बनती है। कैसे? द कोलोनियल स्टेट स्टार्टेड टू कलेक्ट वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट द इंडिया एंड इट्स पीपल। अगेन मिशेल फूको को याद कीजिए, वो कहते हैं नॉलेज पावर डिस्कर्सिव रिलेशन होता है। पहले आप किसी के बारे में ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो आप उसके ऊपर अपना पावर एस्टेब्लिश करते हैं, और जब पावर आपको होता है तो और ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो नॉलेज और पावर जो है एक दूसरे को कंस्टिट्यूट करते हैं। वही कोलोनियल रूल ने शुरू किया, ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज इंडिया के बारे में, इसके पीपल, इसके लैंड, इसके खनिज, इसके कस्टम, इसके रहन सहन, इसके रीति रिवाज, इसके सोशल स्ट्रक्चर पे जुटाना शुरू किया, जिसको आप ओरिएंटलिज्म कह सकते हैं उस नॉलेज को। और उस नॉलेज को यूज किया उन्होंने डिसिप्लिनरी टेक्निक में, इन द ब्यूरोक्रेसी, इन द मिलिट्री, इन द कोलोनियल प्रिजन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ कास्ट बहुत इतना प्रबल है, तो कास्ट के बेसिस पे उन्होंने आर्मी में बटालियन बनाया, राजपूत बटालियन, तो गुरखा बटालियन एंड लाइक दैट। इस तरह से उन्होंने देखा कि कौन सा कास्ट मिलिट्री क्लास है, उसको उन्होंने आर्मी में ज्यादा भर्ती किया, जो नॉन मिलिट्री क्लास है उसको उन्होंने मतलब दूसरे तरह का जॉब दिया। तो इस तरह से उन्होंने जो है उसको यूज किया डिसिप्लिन टेक्निक इन ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री एंड कोलोनियल प्रिजन सिस्टम में। दिस नॉलेज पावर रिफ्लेक्सिव पेयरिंग क्रिएटेड ओरिएंटलिज्म, जो एडवर्ड सेड बोलते हैं कि ओरिएंटलिज्म मतलब आप ओरिएंटल कल्चर के बारे में वेस्टर्न स्कॉलर इसलिए स्टडी करते हैं कि उसको नीचा दिखाया जा सके, लेकिन कविराज इससे पूरी तरह सहमत नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि एक है इसमें ओरिएंटलिज्म, लेकिन इस नॉलेज से ब्रिटिश ने एक यूनिक वे में इंडियन स्टेट एस्टेब्लिश करने में भी हेल्प किया। उनको समझ में आया कि इंडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, इसकी जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जो रिलीजियस बेसिस है रैशनलिज्म का, वो बहुत डिफरेंट है इनलाइटनमेंट के स्पिरिट से। इसलिए उन्होंने वो बहुत सारे जो है प्रोसेसेस यहाँ पे नहीं लागू किए स्टेट फॉर्मेशन के जो वेस्टर्न कंट्री में होते। उसके चलते कविराज का कहना है कि एक
अलग तरह का मॉडर्न इंडियन स्टेट लाइट में आया. सो दिस रिजल्टेड इनटू ए मॉडरेटेड एंड इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्रिटिश इंडियन स्टेट. एक अलग तरह का इंडियन स्टेट आया. द स्टेट दाउ सेंट्रलाइज एंड कंसंट्रेटिंग. बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज और कंसंट्रेटिंग था, सारा पावर जो है सेंटर में था. बट इट केप्ट कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल स्फीयर एंड अलाउड द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सिडियरिटी टू कंटिन्यू. इसने नीचे के स्ट्रक्चर को देखिए डिस्टर्ब नहीं किया. जो कास्ट सिस्टम है, जो पंचायत है, जमींदारी सिस्टम को बनाए रखा, राजा, लोकल क्षत्रप, रीजनल पावर, इन सबको उन्होंने एक तरह से ध्वस्त नहीं किया. और दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म थे जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 सब में, सती प्रथा हटाना, बाल विवाह एंड विधवा विवाह, सब वो सबको बंद कर दिया. इनको समझ में आ गया कि उसमें टिंकर करने से कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं है. तो एक तरह से इन्होंने रियल्म जो है पॉलिटिकल रियल्म को सोशल रियल्म से अलग कर दिया जो पहले भी था. और इसलिए इंडियन स्टेट एक अलग तरह का एक बना जो कि बहुत ज्यादा सोशल रियल में हस्तक्षेप नहीं करता है, सोशियो रिलीजियस मैटर में हस्तक्षेप नहीं करता है. सेकेंड, जो एक इंटरमीडियरी या लेयर जो हायरार्किकल सिस्टम थी उसको बहुत ज्यादा नहीं तोड़ा गया. थर्ड, जो ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन थे या सोशल स्ट्रक्चर थे लाइक कास्ट सिस्टम के, कास्ट पंचायत के, जमींदार और लोकल राजाओं का, उसको भी बहुत डिस्टर्ब नहीं किया गया. However, the socio-religious structure and traditions restructured itself by using enlightenment spirit of rationality. लेकिन आपने देखा कि राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद एंड मेनी अदर जो सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने खुद ही जो इवन सर सैयद अहमद खान मुस्लिम में, इस्लाम में, उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों ने अपने को खुद अंदर से रिफॉर्म करने की कोशिश की, रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ इनलाइटनमेंट की जो रीजन, रैशनलिटी, साइंटिफिसिज्म थी, उससे जो है उन्होंने अपना खुद का सुधार किया. भले कि मतलब जो इंडियन ब्रिटिश इंडियन स्टेट है वो अलूफ जैसी है, लेकिन वो खुद सुधार जो है शुरू हो गया. ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडियन स्टेट के फॉर्मेशन का कि कैसे स्टेट ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया सोशल रिफॉर्म में, लेकिन फिर भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म अंदर से ही हुए, उन्हीं के लीडर के द्वारा हुए. देन फाइनली यदि देखें इंडियन स्टेट की कहानी को यदि हम खत्म करें कविराज के नजरिए से, तो इन्होंने कुछ रीजन बताए कि क्यों इंडियन स्टेट जिस तरह से इट केम इनटू बीइंग, इट वाज वेरी डिफरेंट देन इट्स यूरोपियन काउंटर पार्ट. तो जैसे मैंने अभी तक बताया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि पहला रीजन तो ये था कि जिस द कंडीशन, ये मैंने बिल्कुल उनका कॉपी पेस्ट किया, हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे. The conditions in which processes were introduced in India and in the West were quite different. मैंने आपको बताया कि इंडिया में जब उन्होंने नॉलेज गैदर किया तो उनको समझ में आया कि यहाँ पे जो है अभी रिलीजन बहुत प्राइम आइडेंटिटी है, प्राइम बेसिस ऑफ रैशनलिटी एंड रीजन है, प्राइम बेसिस ऑफ मॉरलिटी एंड इथिक्स है. वो वेस्टर्न वर्ल्ड जैसा नहीं है कि जहाँ पे कि सेकुलर सोशल लाइफ हो चुका है, जहां पे कि नॉन रिलीजियस बेसिस ऑफ मॉरलिटी हुआ है. ये उनको समझ में आया. उनको ये भी समझ में आया कि यहाँ क्लास नहीं, कास्ट जो है वो स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी है, उसी के थ्रू सोशल लाइफ जो है वो मेडिएट होता है. तो इसलिए इन्होंने एब्सोल्यूटिज्म इन यूरोप हैड इंट्रोड्यूस ए फॉर्म ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी डिसॉल्विंग ऑल कंपीटिंग क्लेम्स टू पॉलिटिकल अथॉरिटी द लाइक ऑफ विच इंडियन सोसाइटी हैड नेवर सीन. तो इन्होंने जो है उस तरह का एब्सोल्यूटिज्म नहीं अपनाया इंडिया में जो कि बिल्कुल एक तरह से होमोजेनाइज कर देता है और बिल्कुल यूनिफॉर्म कर देता है सोसाइटी को एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, लैंग्वेज इज कंसर्न, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न. उस तरह का यहाँ पे नहीं किया, ये छोड़ दिया यहाँ पे. सेकेंड, द कोलोनियल स्टेट इटसेल्फ रिस्ट्रेंड इट्स इनिशिएटिव through oriental conception of Indian society which emphasized the fact that environment was basically different, therefore the colonial ruler withheld certain practices and modified others. ये हम लोगों ने अभी discuss किया कि इन्होंने खुद ही बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया. जैसे caste panchayat है होने दो, वहाँ वो जो मतलब interfere नहीं कर रहे हैं, काजी के द्वारा जो हो रहा है सरिया के basis पे jurisprudence उसको छोड़ दो,
जो जमींदार और जो पंचायत का रिलेशन है उसको छोड़ दो, जमींदारी सिस्टम को बनाए रखो, एंड लाइक दैट मेनी अदर, इन्होंने इस तरह से छोड़ दिया उस रियल्म को. एंड फाइनली इवन इन दोज एस्पेक्ट ऑफ स्टेट प्रैक्टिसेस अंडर कॉलोनियलिज्म वेयर वेस्टर्न पैटर्न वेयर इंट्रोड्यूस, जैसे कि जुडिशियल सिस्टम इन्होंने लाया, कोडिफाई किया. फॉर इंस्टेंस समथिंग लाइक एन एक्सेंट शिफ्ट टुक प्लेस. मतलब एक्सेंट शिफ्ट मतलब क्या होता है कि आपका वो इन प्रैक्टिस जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है, भले ही कोड जो है वो अलग हो, यूनिफाइड हो, लेकिन जब इंडियन पर्सनल जो है ज्यूरिसप्रूडेंस करने लगते हैं, काजी हो चाहे इंडियन जज हो, तो वो अपने यूरोपियन मॉडल से बहुत अलग जो है फंक्शनिंग में खिसक जाता है. तो इन सब रीजन के चलते जो है इंडिया, इंडियन स्टेट, जो मॉडर्न इंडियन स्टेट आया, ऑफ कोर्स ब्रिटिश लेके आए, ऑफ कोर्स उसके इंस्टीट्यूशन बिल्कुल मॉडर्न थे, चाहे पार्लियामेंट हो, मिलिट्री हो, कोर्ट हो, जुडिशियरी हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हो, इंडियन सिविल सर्विसेज एंड ऑल, लेकिन वो बहुत डिफरेंट ट्रेजेक्टरी से आया, बहुत डिफरेंट फीचर्स उसमें पनपे जो कि उसके यूरोपियन काउंटर पार्ट में नहीं थे, और वो एक अलग इंडियन मॉडर्न स्टेट जैसा बना. नट सेल में आप ये समझिए, यही आपको एग्जाम में लिखना है. अब हम लोग देखेंगे कि जो इंडियन नेशनलिज्म की यदि हम देखें कि टेरिटरी कैसे आगे बढ़ी, कैसे इंडियन नेशनलिज्म यहां पे आया, केम इनटू बीइंग. यहां हमें यह भी समझना चाहिए कि इंडियन नेशनलिज्म कभी यूरोपियन नेशनलिज्म को कॉपी नहीं कर सकता है. यूरोपियन नेशनलिज्म इसलिए एक बहुत ही 200-300 साल की लंबी एक स्ट्रगल के बाद वहां एस्टैब्लिश हुई, और इसलिए हो पाई क्योंकि वहां एक नेशन में एक रिलीजियन, एक लैंग्वेज और एक कल्चर हुई, और उसी से ये बना कि एक ऐसे लोगों का समूह जो सेम लैंग्वेज, सेम बोली बोलते हैं, सेम रिलीजियन को फॉलो करते हैं और सेम कल्चर को, वो एक पीपुल है, कॉम है, नेशन है, ये स्पिरिट, ये भावना आई, और इसके चलते यूरोप को छिन्न भिन्न करना पड़ा, और 30 से भी ज्यादा जो है वहां पे स्टेट जो है आपको छोटे छोटे स्टेट बनने पड़े. अब जाके फिर से वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू उसको बड़ा कर रहे हैं. इंडिया यदि उस लिहाज से देखें तो इट बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे यदि वैसा नेशन स्टेट आपको बनाना हो या नेशन बनाना हो, तो आपको जितने लैंग्वेज हैं मेजर, उतने आपको नेशन इमेजिन करने पड़ेंगे, वो संभव नहीं था. यहां से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि बैकग्राउंड जो इंडिया में ये था कि मल्टीपल सोशल स्फेयर था. आपने देखा कि सोशियो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस अलग अलग था. इमर्जेंस ऑफ न्यू इलीट्स, और ये भी आपने देखा कि ऑटोनॉमी ऑफ सोशियो रिलीजियस स्फेयर फ्रॉम पॉलिटिकल स्फेयर, जो सोशियो रिलीजियस स्फेयर था पॉलिटिकल स्फेयर से एक तरह से ऑटोनॉमस था. इसके अलावा एक न्यू बंच ऑफ इलीट्स जो हैं, जो अंग्रेजी बोलने वाले थे, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए थे, जो इंग्लैंड में जिन्होंने पढ़ाई की थी अधिकतर उसमें से बैरिस्टर अदर थे, चाहे गांधी जी हो, नेहरू हो, जिन्ना हो एंड ऑल, दे एडॉप्टेड वेस्टर्न रैशनलिटी एंड दे ऑल्सो एडॉप्टेड डिसिप्लिनरी प्रिंसिपल इन बोथ वर्क एंड लाइफ. उन्होंने फूको के अनुसार अपने को खुद उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन कर लिया, वर्क प्लेस में भी, अपने फैमिली में भी, सोशल लाइफ में भी, और वो एकदम फिट हो गए ब्रिटिश राज के लिए, आप ये समझिए. लेकिन वही लोग थे जो इंडियन नेशनलिज्म की परिकल्पना पहली बार लेकर के आए. उसी समय में इंडियन राइटर्स, जो फिलोसफर थे, वो ये सोचने लगे कि इंडिया गुलाम बना क्यों, और वहां पे उन्होंने एक थॉट निकाला कि इंडिया लैक करता है एक कलेक्टिव स्पिरिट या पब्लिक स्पिरिट या सिविक कल्चर, जिसको आप नेशन कह सकते हैं. हम में एक फीलिंग ही नहीं है, हम इंडियंस में, कि हम लोग एक हैं, एक कॉम है, एक कम्युनिटी है, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ. चूंकि उनमें वो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, उसी से वो बाहर निकले, उसी से उन्होंने दुनिया को जो है जीता, कॉलोनाइज किया, अमीर बने. हम वो लैक करते हैं तो हमें होना है. तो ये भावना आई कि नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए हम में, तब हम जो है हम भी जीत सकते हैं दुनिया को, हम आगे बढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे एक एका बनी, इंटेलेक्चुअल एका बनी, कि यदि हमको दुनिया में कंपीट करना है मॉडर्न नेशन से, तो हमें एक तो मॉडर्न नॉलेज जो है एक्वायर करना पड़ेगा, जो साइंस पे बेस्ड हो, रीजन रैशनलिटी पे बेस्ड हो, जिससे हम भी
नेचर को कंट्रोल कर सकें, हम काबू कर सकें और मटेरियल प्रोग्रेस कर सकें। दूसरा जो है, हमें मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, जैसे यूरोप ने बनाए, पार्लियामेंट है, मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न कोर्ट है, मॉडर्न पुलिस है, आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी बनाना पड़ेगा हमें। और थर्ड, हमें एक कलेक्टिव स्पिरिट डेवलप करना पड़ेगा, कलेक्टिव कोहेसन, एक पब्लिक स्पिरिट, सिविक कल्चर, जिसको कि आप नेशनलिज्म कह सकते हैं। इसलिए नेशनलिज्म एक इंस्ट्रूमेंटल रिक्वायरमेंट बन गया एज ए पीपल, एज ए कॉम, हमें कंपीट करने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में। ये एक इंटेलेक्चुअल एकता बनी और उसमें प्राइम रोल जो है न्यू इलीट्स ने अदा किया। अब देखिए इमर्जेंस कैसे होती है इंडियन नेशनलिज्म की। मिस्टर कविराज के अनुसार, ब्रिटिश रूल ब्रॉट ए लॉजिक ऑफ एसोसिएशनिज्म इन इंडियन सोशल लाइफ। ब्रिटिश रूल ने एक और काम किया कि इंडिया में पहली बार सिविल सोसाइटी की परिकल्पना को जन्म दिया। इसके पहले कविराज कहते हैं कि मुगल काल तक में जो है एक इंडिविजुअल फरियाद करता था राजा को या जमींदार को, लोकल राजा को, मुगल एम्पायर को भी, घंटी बजाता था, आपको याद है जहांगीर के टाइम में बेल बजाता था। तो एक इंडिविजुअल का नाता जो है, एज फार एज सीकिंग जस्टिस इज कंसर्न, वो सीधा जो है वो किंग से होता था या राजा से होता था, एम्परर से होता था। लेकिन ब्रिटिश रूल जो है वो रूल ऑफ लॉ पे चले, तो उनका कहना था कि यदि आप हमसे पेटिशन करते हो तो हम ज्यादा तवज्जो देंगे यदि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यदि उस बात को कहते हैं। तो यहां पे जो है एसोसिएशनिज्म की शुरुआत हुई इंडिया में, लोग ग्रुप बनाने लगे, इंटरेस्ट ग्रुप बनने लगा, जैसे कास्ट ग्रुप बनने लगे, प्रोफेशनल ग्रुप बनने लगा, लॉयर का ग्रुप, डॉक्टर का ग्रुप, इस टाइप के। और वो लोग जो है वो गवर्नमेंट को पेटिशन करने लगे। अब ये जो इंटरेस्ट ग्रुप था वो भी दो टाइप का, एक तो प्योरली इंटरेस्ट पे बेस्ड था, जैसे आपने देखा डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब का जो प्रोफेशनल का, और दूसरा आइडेंटिटी पे बेस्ड ग्रुप था, कास्ट, कास्ट का ग्रुप, ब्राह्मण ग्रुप, क्षत्रिय ग्रुप, लाइक दैट। और ये यही पे ये जो ग्रुप जब बनना शुरू हुआ, तो एक तो हुआ कि प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी आपकी है, प्राइमोर्डियल मतलब जो बाय बर्थ होती है, जो जैसे आप एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप में पैदा होते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन में। लेकिन वहां पे ये होने लगा कि क्या हमारी एक हायर आइडेंटिटी भी है, मतलब एक तो है कि हम इस रिलीजन के हैं, इस रीजन के हैं, हम तमिल हैं, हम ब्राह्मिन हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन क्या हमारी कोई हायर आइडेंटिटी भी है। और वहां पे वो फीलिंग आने लगी कि यस, हम सब एक हैं, एक मायने में कि हम सब अगेंस्ट हैं कॉलोनियल रूल के, हम सभी परतंत्र हैं और हम हिस्टोरिकली जो है एक साथ एक जगह पे रहे हैं और एक जैसा जो है ऑफ कोर्स हमारा कल्चर है। ये जो फीलिंग है ये प्रोटो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जहां पे कि ऐसा पनपने लगा कि एक हायर आइडेंटिटी हमारी है, एक इमेजिन कॉम हम है। और इसमें जो न्यू इलीट है उनका बहुत बड़ा रोल था, वो इंग्लिश स्पीकिंग बोर्जुजीज क्लास थे, अर्बन इंडिया में रहते थे, मुंबई कलकत्ता में, और वो फर्स्ट थे जो इस तरह का इमेजिंड कम्युनिटी, जो बेनेडिक्ट एंडरसन बोलते हैं, उसको क्रिएट करने वाले, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट करने वाले पहले वो थे। और उन्होंने उसके लिए बैनर तैयार किया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें बाद में जो है अदर रूरल इलीट्स और जो कई रीजनल जो इलीट्स थे वो उन्होंने ज्वाइन किया और फिर एक नेशनलिज्म का जो है बैंड वैगन चला, मतलब एक नेशनलिज्म की जो उभार है वो चली। तो नेशनलिज्म आप देखिए कहां से आता है, वो पहले तो आपके प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी से ऊपर उठने की एक प्रोसेस है, और दूसरा आपको एंटी कॉलोनियलिज्म जो है वो बांधता है एक नेशन के तौर पे। और उससे भी पहले ये इंटेलेक्चुअल कंसेंसस कि नेशनलिज्म होना है हम में, तभी हम जो है एज ए नेशन हम दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए कंसियस जो है एक प्रयास आईएनसी के बैनर तले की जाती है। फाइनली देखिए नेशनलिज्म पे कविराज कहते हैं कि ये एक तरह का इम्प्रोवाइजेशन था, ये रिप्लिकेशन नहीं था वेस्टर्न नेशन का। इम्प्रोवाइजेशन मतलब होता है कि आप एक किसी चीज को एडॉप्ट करते हैं तो अपने तरीके से करते हैं, आप उसकी नकल नहीं करते हैं।
उसको इतना बदल देते हैं कि वो आपका अपना हो जाता है। आप उसे इंस्पायर्ड तो होते हैं लेकिन अपना हो जाता है। तो इंडिया में ये बहस चलती थी कि किस टाइप का नेशनलिज्म हम अपनाएं। यदि हम, जैसा मैंने आपको बोला कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे नेशनलिज्म होगी तो इंडिया तो कई नेशन में विभाजित हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक कल्चरल कॉन्सेप्ट आया कि जो जो थिंकर्स थे उन्होंने ये कहा कि हमारा जो नेशनलिज्म होगा इंडिया में वो शेयर्ड कल्चर पे होगा, ना कि यूनिफॉर्म लैंग्वेज या रिलीजन पे होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। आपको पता है कि जब ये बात कल्चरल नेशनलिज्म की बात आई, जो तिलक करने लगे, जब सावरकर करने लगे और कई अन्य लोग जो व्यक्ति करने लगे, बड़े बड़े लीडर, तो वहां पे आपको कल्चरल सिंबल जो है वो कहीं ना कहीं वो रिलीजन से मैच हो गया। भारत माता, अभिनव भारत एंड ऑल, वहां पे मुस्लिम जो है उन्होंने थ्रिटेन फील किया कि यदि ये कल्चरल नेशनलिज्म होगा तो हमें हिंदू कल्चर के अंदर एक सबजुगेटेड फॉर्म में हमें जो है रहना पड़ेगा। और वहां से उन्होंने ये डिमांड करना शुरू कर दिया, मोहम्मद इकबाल अनदर, बाद में जिन्ना पॉलिटिकली, कि हम एक अलग कल्चर है हमारा, और यदि कल्चर के बेसिस पे होगा तो हम एक अलग कौम है, हम अलग नेशन चाहिए, और टू नेशन हुआ। लेकिन उससे कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, बिकॉज उतने ही मुस्लिम जितने पाकिस्तान गए उतना जो इंडिया बचा उसमें रह गए, फिर उनका क्या होगा। और इस क्वेश्चन को अभी भी इंडिया टैकल जो है, देखिए कितनी उसमें परेशानी आता है कि कैसे एकोमोडेट किया जाए, और फिर और भी रिलीजन और भी कल्चर का मामला आता है। तो इंडियन नेशनलिज्म शुरू से ही एक ट्रबलसम आइडिया रहा कि किस आधार पे हम इंडियन नेशन की परिकल्पना करें। आप सावरकर को याद कीजिए, उन्होंने कहा कि इसकी तीन बेसिस पे हम कर सकते हैं, इसका एक जो है एक ही तरह की हमारा टेरिटरी है जो लोग उसमें रहते हैं, एक हमारा जो है कल्चर है, और एक हमारी जो है वो जाति है, रेस जिसको बोलते हैं। लेकिन ये सारा बहुत ही ट्रबलसम जो है फिनोमेना था, और ये सब जब आया तो फिर मुस्लिम जो है वो अलग, जैसा मैंने कहा, और वो एक अलग कम्युनलिज्म को जन्म दिया। तो नेशनलिज्म इज वॉज ए वेरी वेरी ट्रबलसम आइडिया फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यहाँ पे गांधी और टैगोर का भी आपको याद करना चाहिए। कविराज कहते हैं कि उन लोग, टैगोर तो नेशनलिज्म के बिल्कुल खिलाफ था, आपको पता है। गांधी भी नेशनलिज्म को उस तरीके से नहीं देखते थे सावरकर देखते थे। मिलिटेंट नेशनलिज्म का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। उनके लिए वेस्टर्न नेशन स्टेट एक मैकेनिकल सोललेस क्रिएचर था, एंटिटी थी, वैसा वो नहीं चाहते थे। वो बहुत ही स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की परिकल्पना करते थे। लेकिन दोनों में एक बात को लेके एकता थी कि उनका कहना था कि जो जो मॉडर्न इंडियन नेशन स्टेट बने उसमें जो इंस्टीट्यूशंस बने वो हमारे जो हजारों साल का जो सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर है, जैसे कास्ट की व्यवस्था है, कास्ट पंचायत है, हमारे विलेज में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो अपना ओन एजुकेशन की सिस्टम है, वो ट्रेडिशन, वो कल्चर को जो है डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बने वो कंसिस्टेंट हो हमारे सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर ट्रेडिशन से, जो हुआ नहीं इंडिया में। एक्चुअली बात जो है गांधी टैगोर की नहीं चली, नेहरू अंबेडकर की चली कॉन्स्टिट्यूशन में, और बिल्कुल जो है जड़ से एक न्यू मॉडर्न इंस्टीट्यूशन थोपा गया जो कहीं भी बहुत कंसिस्टेंट नहीं थी हमारे हजारों साल के सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर ट्रेडिशन से। और उसने क्या किया कि वो चीज लेकर के आया जिसको फ्रेड रिक्स जो है कहते हैं फॉर्मलिज्म, यानी कि जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है वो रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, वो उसकी अलग जो है अलग धारा है, वो अलग दिशा में बहती है, और जो एक्चुअल जो डे टू डे लाइफ है वो हजारों साल के ट्रेडिशन सोशल स्ट्रक्चर पे बेस है, और वो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन के रूल रेगुलेशन को केवल एक रिचुअल के तौर पे मानती है, उसको इन टोटो फॉलो नहीं करती, और फॉर्मलिज्म पैदा होती है। यू शो मी योर फेस, आई शो यू द रूल। तो ये जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी जिसको वो कहते हैं, तो ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक और देखिए कि नेहरू एंड अदर लिबरल नेशनलिस्ट लीडर जो हैं, कविराज का कहना है, पर्टिकुलर नेहरू, दे चेरिश डाइवर्सिटी। उनका कहना था कि डाइवर्सिटी अच्छी बात है,
ये बुरा नहीं है जो इंडिया में जो लैंग्वेज रिलीजियन कल्चर के डाइवर्सिटी है, और उससे हमारा सोसाइटी रेजिलियंट होता है, हमारा इकोनॉमी रेजिलियंट होती है, हमारी सभ्यता रेजिलियंट होती है, सिविलाइजेशन। और उनका कहना था कि हमारा नेशन जो होगा वो बुके ऑफ फ्लावर की तरह होगा, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी, वो हमारा नेशन होगा। तो देखिए कितनी अलग अलग टाइप के थॉट, सावरकर से लेके गांधी, टैगोर और नेहरू पर, और इधर मोहम्मद इकबाल, अलग थॉट थे कि इंडियन नेशनलिज्म कैसा होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो नेहरू जी ने कहा उस टाइप की नेशनलिज्म पे हम गए। तो यदि कविराज कहते हैं इन नट सेल की जो इंडियन नेशनलिज्म है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड अफेयर है, मल्टी लेयर आइडेंटिटी एंड पैट्रियटिज्म है। एक हमारी आइडेंटिटी प्राइमोडियल कास्ट की होती है, फिर हम जो है कास्ट से हो सकता है हम कास्ट हैं, हो सकता है हम क्लास से जो है लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास में हो सकता है रिलीजियन से हम हिंदू हो, लैंग्वेज से हम हिंदी हो, रीजन से हो सकता है कि हम कहीं के हो, तमिलनाडु के हो, साउथ के रीजन के हो, वेस्ट के हो, मराठा हो, एंड नेशन, और लास्ट में हमारी जो आइडेंटिटी आती है वो नेशन इंडियन की आती है। तो एक ये समझिए कि इंडियन नेशनलिज्म जो है प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी है। इसी को जो है वो पार्थ चटर्जी ने जो है वो डेरिवेटिव डिस्कोर्स कहा था, जिसपे काफी डिबेट भी हुई। तो ये इंडियन नेशनलिज्म आपको समझना चाहिए कि एक सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी है। ये आपने चक दे इंडिया फिल्म में भी देखा होगा, जहां पे कि वो कोच ये इंस्टिल करने की कोशिश करता है कि तुम इंडियन हो। लेकिन पहला जो है आइडेंटिटी क्या आती है, मैं हरियाणा से आती हूँ, मैं पंजाब से आती हूँ, मैं राजस्थान से आती हूँ, वो जो गर्ल हॉकी प्लेयर है वो कहती है कोच को, और उसके नीचे भी वो कह सकती है कि मैं जाट हूँ, मैं मराठा हूँ, लाइक दैट। तो ये हमें समझना होगा कि इंडिया में अनलाइक यूरोप हमारी जो नेशनलिज्म की जो आइडेंटिटी है वो सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी है, और कहीं ना कहीं वो डेरिवेटिव डिस्कोर्स भी हो सकती है। इट इज नाइदर होमोजेनाइजिंग नॉर एसिमिलेटिंग। हमारा नेशनलिज्म जो है वो यूरोप की तरह हमें यूनिफॉर्म नहीं करता, हमारे कल्चर को यूनिफॉर्म नहीं करता, हमारे लैंग्वेज को यूनिफॉर्म नहीं करता, हमारे रिलीजन को यूनिफॉर्म नहीं करता, हमारे वे ऑफ लाइफ को यूनिफॉर्म नहीं करता, हमको सब में एक में समाहित नहीं करता, हमें एक नहीं बनाता। बट रादर इट इज ए गाइडिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज टूवर्ड्स एन यूनिवर्सल नेशनल आइडेंटिटी। ये सभी जो मल्टीपल आइडेंटिटी है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, उन सब को ये एक गाइड करता है एक अपर लेवल यूनिवर्सल आइडेंटिटी में, जो नेशनल आइडेंटिटी हमारी, हम भारतीय हैं, और उसका इसेंस है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फाइनली यदि हम कहानी देखें इंडियन डेमोक्रेसी की सुदीप्ता कविराज के नजर से, तो कैसी नजर आती है। इनका कहना है कि एडॉप्शन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेफिनेटली ए मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी पहले नहीं थी, इसका कोई इतिहास हमारे यहाँ बहुत पहले होगा, लिच्छवी एंड अदर, लेकिन वैसे नहीं था। तो बिल्कुल एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल लेकर के आते हैं। हमारे डेमोक्रेसी का तीन फीचर ये कहते हैं जो कि बड़ा यूनिक है। एक जो है ये कम्युनिटेरियन लीनिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को बहुत प्रेशर नहीं दी जाती है। यहाँ पे इक्वालिटी व्यक्ति के बीच में तो ठीक है रखी गई है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रुप या कम्युनिटी के बीच में इक्वालिटी की बात ज्यादा की जाती है। आप देखिए कल्चरल एंड ग्रुप राइट जो दी गई है बहुत यूनिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट एन एजर्सन ऑफ इलेक्टोरल पावर बाय रूरल ग्रुप्स। और इंडिया चूंकि गांव में बसता है, यहाँ की जो एग्रेरियन कम्युनिटी है वो बहुत उसका से है, तो उसकी एक बहुत ही बड़ी जो है इलेक्टोरल ताकत है जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी में नहीं है, और उसके चलते यहाँ बहुत सारा पिकुलरिटी आता है, क्योंकि कास्ट भी इसलिए पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ रूरल ग्रुप्स। कास्ट पंचायत क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी आपने देखा कि किसान सभा और किसान की जो कास्ट पंचायत थी वो कितना इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो जाती है, अभी हमने देखा होगा। एंड थर्ड इनका कहना है कि जो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है वो इतना कंटेस्टेड है, इतना ज्यादा विवादित है, कि उसका फैसला अभी तक इंडियन डेमोक्रेसी में नहीं हो पाया कि किस फॉर्म का सेक्युलरिज्म हमें अपनाना है। ये तीन
फीचर ये कहते हैं जो हमारे डेमोक्रेसी को अलग करता है। इसके अलावा कविराज कहते हैं कि हमारी जो शॉर्ट कमिंग है इंडियन डेमोक्रेसी की, जो मैंने अभी आपको कहा कि ये इसका जो आधार है वो कुछ भी नहीं है, वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन सीधे आ गए हैं, जो अंडरलाइंग जो हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर ट्रेडिशन थे उसको इसने कहीं ना कहीं मॉडर्न जो डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सीएजी हो, सीसी हो, कोर्ट हो, जुडिशियरी हो, उसने डिसरिगार्ड किया है द लॉजिक यूटिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। और इन सब के चलते जो है एक यूनिक इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी जो है उभर करके सामने आया है, जिसका कुछ वो मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि जैसे कास्ट इन पॉलिटिक्स है एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट जो यूनिक है और किसी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, कम्युनल पॉलिटिक्स भी जिस तरह से इंडिया में रिलीजियन पॉलिटिक्स में रोल अदा करता है वो भी बहुत यूनिक है, और जिस तरह से इंडिया में पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी होती है, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि हम दलित हैं, ये आइडेंटिटी से दलित पॉलिटिक्स होती है, अब जो है वुमेन की भी आइडेंटिटी से पॉलिटिक्स होने लगी है, हम बैकवर्ड क्लास हैं उसकी आइडेंटिटी से होती है, हम मार्जिनलाइज हैं उसकी आइडेंटिटी से होती है, रीजन की आइडेंटिटी से होती है कि हम तमिल हैं, हम जो है तेलुगु हैं, हम बंगाली हम हैं, उस आइडेंटिटी से जो है पॉलिटिक्स होती है, जिसमें कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है इन सब में, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, कम्युनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट इज वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्चुअल, ये सोशल क्लीवेज को बढ़ाता है और समाज को कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब करता है, वो हमारे डेमोक्रेसी का एक डिस्टर्बिंग पार्ट बन गया है। और जैसा मैंने बोला फॉर्मलिज्म तो है ही कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कहने को कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, रूल है, सब कुछ है, कहने को अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है, कहने को दलित को जो है बराबर का हक है, लेकिन फिर भी आज के जमाने में भी कोई दलित दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है, मूछ रखता है तो बंदूक चलती है, ये सब भी फैक्ट है। तो ये जो फॉर्मलिज्म है, मतलब कि किताबों में, कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल लॉ बुक में कुछ और लिखी हुई और सोशल प्रैक्टिस, वो इसके चलते हुआ है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी ने, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ने कंप्लीटली डिसरिगार्ड किया है लॉजिक यूटिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन को, जो टैगोर और गांधी कहते थे कि मत छोड़ो, हमारा जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द लॉजिक एंड यूटिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। तो और फाइनली कविराज कहते हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो हाईली विशिएटेड एंड मडी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, सबके चलते हुआ है। फाइनली जो कविराज दो पिकुलरिटी इंडियन डेमोक्रेसी की एक्सप्लेन करते हैं एज एन एग्जाम्पल, फर्स्ट है कि यहाँ पे जो एग्रेरियन सेक्टर है उसका कितना डिसप्रोपोर्शनेटली हाई इम्पोर्टेंस है इलेक्टोरल एंड डेमोक्रेसी में, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है। उसका कारण ये कहते हैं कि वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पहले डेमोक्रेसी आने के एग्रेरियन सेक्टर बहुत सिमट चुका था, इकोनॉमी में उसका रोल बहुत कम हो गया था और इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको सब्सिडाइज करने में सक्षम था, इसलिए इलेक्ट्रली जो है इलेक्ट्रल वे में उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो चुकी थी और इसलिए उसका कोई संघर्ष स्टेट के साथ नहीं हुआ। इंडिया में बहुत अलग रहा, यहाँ फार्मिंग सेक्टर में मोर देन 50%, पहले तो 70% लोग लगे हुए थे, अभी भी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन केवल 15% है, लेकिन लगभग आधे लोग अभी भी फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह, और इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना मजबूत नहीं है कोई सब्सिडाइज कर सके फार्मिंग सेक्टर को, इसके लिए कॉन्स्टेंट एक स्ट्रगल चलती है इंडियन स्टेट का और एग्रेरियन सेक्टर का, क्योंकि एग्रेरियन सेक्टर ऑलवेज स्टेट की तरफ देखती है सब्सिडी के लिए, अपने को जिंदा बचाए रखने के लिए। इससे एक और भी हुआ है कि फार्मर एज ए ग्रुप एक इंटरेस्ट ग्रुप बन गए, अभी हम लोग ने किसान आंदोलन में देखा, एंड दे विल्ड सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल पावर, और चूंकि वो चुनाव जिताने हराने की ताकत रखते हैं तो इंडियन स्टेट को उसके सामने झुकना पड़ता है, ये भी हम लोगों ने देखा। ये एक पिकुलियर फैक्टर जो है, फीचर जो है इंडियन डेमोक्रेसी की है, जहां पे कि एग्रेरियन सेक्टर का स्टेट के साथ एक पिकुलियर नाता है और उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में भी बहुत ज्यादा दखल है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है। उसके चलते यहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमी भी अफेक्टेड होती है और डेमोक्रेसी में भी जो है एक अलग ही रूप आता है। दूसरा वो कहते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म को लीजिए, तो नेहरू और अंबेडकर ने इंडिया में
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन दिए जो माइनॉरिटी के भावना को एसुएज करते थे कि वो इंडिया में वो शांति से अमन से रह सकते हैं। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगा, इसके चलते उनको ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट दिए गए, माइनॉरिटी राइट दिए गए, कल्चरल राइट दिए गए, एजुकेशनल राइट दिए गए, बहुत सारे आपने हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट में। लेकिन उससे एक ये भी फीलिंग आई जो मेजोरिटी कॉम है कि ये एक अपीजमेंट है, और उससे एक अलग टाइप की माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों की जो ये कंसेशन को लेकर के जो थॉट थे वो अलग अलग हो गए। माइनॉरिटी का ये थॉट था कि ये हमारा हक है क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं गए या हम दूसरी कंट्री में नहीं गए, हम यहाँ पे हैं तो हमारा ये वतन है तो हमें जो है ये राइट मिलना चाहिए, नहीं तो हम एक सेकेंड रेटेड सिटीजन बन के रह जाएंगे, तो ये हमारा जेन्यून हक है। जो मेजोरिटी कॉम है उसके लिए ये एक जेन्यून हक नहीं था, ये एक वोट या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक इंस्ट्रूमेंटल वे था जिसको आप अपीजमेंट कह सकते हैं, और इसके चलते इंडियन सेकुलरिज्म डिबेटेबल हो गया। दूसरा इसमें यह भी हुआ कि ये डिसाइड कौन करेगा कि सेकुलरिज्म कैसा होगा, ये कैसे ऊपर से थोप दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, ये डेमोक्रेटिक पटल पे इसका जो है थ्रू वोट जो है ये सेटलमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सेटलमेंट होना चाहिए कि इंडियन सेकुलरिज्म का रूप कैसा होगा, उसके क्या मायने होंगे। तो ये रेज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म एज अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए स्ट्रॉन्गली मेजोरिटेरियन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसमें कि ये है कि जिनका मेजोरिटी में जो है उनकी बात डेमोक्रेसी में सुनी जानी चाहिए, उनकी भावना का इज्जत होना चाहिए, डेमोक्रेसी रूल ऑफ मेजोरिटी है, तो उसमें कैसे ऐसा हो सकता है कि मेजोरिटी की ही जो भावना सेकुलरिज्म से रिलेटेड है उसको ना सुना जाए। ये इस पे कंटेस्टेशन अभी भी इंडिया में चलता है, और ये वेस्ट से बहुत डिफरेंट है जहां पे कि जो रिलीजियस रिफॉर्म हो गए 15-16 सेंचुरी में, चर्च एंड स्टेट सेपरेट हो गए, रैशनल बेसिस ऑफ मॉरलिटी एंड इथिक्स आ गया इमानुअल कांत एंड हेगल एंड अदर्स ने, और उसके बाद डेमोक्रेसी आया, तो उनके यहाँ सेकुलरिज्म वॉज ए सेटल्ड प्रिंसिपल, और ये एकदम बिल्कुल तय था कि स्टेट और चर्च में कोई जो है कनेक्शन नहीं होगा, तो वहां ये डिबेट का कारण नहीं रहा। लेकिन जब उस तरह के सेकुलरिज्म को हम लोगों ने अपना लिया तो यहाँ पे डिबेट होना लाजमी था, और अभी भी इस क्वेश्चन को इंडियन डेमोक्रेसी सॉल्व नहीं कर पाया है। डे टू डे में हम लोग जानते हैं कि उसका क्या रिपरकशन हो रहा है और कैसे वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी दोनों को अफेक्ट करती है। ये दो एग्जाम्पल जो सुदीप्ता कविराज ने दिया है, ये दोनों अभी किसान आंदोलन के थ्रू और अभी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो रहा है, आप एकदम देख सकते हैं ये दोनों पिकुलरिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी आपके आंख के सामने अनफोल्ड हो रहा है। सो इन सम डियर स्टूडेंट, सुदीप्ता कविराज क्या कहना चाहते हैं कि एडॉप्शन ऑफ मॉडर्निटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हैज टेकन डाइवर्स पाथ, अलग अलग तरीके से जो है अलग ट्रेजेक्टरी से जो है मॉडर्निटी एक्सपैंड हुई है, अडॉप्ट हुई है और मैनिफेस्ट हुई है, उसमें लॉट्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन हुए हैं, एडजस्टमेंट हुए हैं उन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जहां जहां मॉडर्निटी ट्रांसपोर्ट की गई यूरोपियन मॉडर्निटी। मॉडर्निटी इन इंडिया ऑफ कोर्स वेयर ब्राउट थ्रू कॉलोनियल रूल, कोई इसमें शक नहीं है, बट इट्स एडॉप्शन इन फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्टेट नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैज वेरी डिफरेंट ट्रेजेक्टरी एंड आउटकम्स देन दोज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, एक अलग तरीके से यहाँ पे आई है। मॉडर्न इंडियन स्टेट adopting institutional template of western state developed its own distinct formal logic, hum logon ne dekha ki indian modern state ek alag tarike ka state bana, wo same state absolutist aur unifying homogenization state nahi hai jo western world ka hai, yahan pe alag alag realm hai aur kuch realm mein state jo hai uski relative autonomy hai। indian nationalism is a multi layered complex phenomena, ye hum logon ne dekha। Instead of European model of uniformity and homogenization, it stands for unity in diversity. ये bouquet of flower जैसा है। Indian democracy has developed unique attributes and features by way of social reflexivity. Social reflexivity इस article में आपको बहुत जगह मिलेगा उनके essay में। इसका मायने समझिए क्या होता है। Social reflexivity एक sociological concept है जिसमें ये होता है कि जो structure है society जैसे caste system है
वो और जो इंडिविजुअल एजेंसी है या जो इंडिविजुअल जो लोग डे टू डे लाइफ जीते हैं या सोसाइटी की जो डे टू डे लाइफ होती है, वे दोनों उस स्ट्रक्चर से टकराते हैं और उसमें स्ट्रक्चर भी मॉडिफाई होता है और स्ट्रक्चर जो है से कास्ट सिस्टम वो लोगों के डे टू डे का जो लाइफ है उसको भी अफेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्सिविटी है और इसी से जो है एक एक तरह का म्यूचुअल बैलेंस पैदा होता है स्ट्रक्चर और सोशल लाइफ के बीच में। मतलब ये है कि सोशल स्ट्रक्चर कोई परमानेंट चीज नहीं है, वो कंटिन्यूअसली इंट्रैक्ट होती है इंडिविजुअल से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से, और इसमें दोनों ही तरीके से दोनों ही पार्ट का चेंज होता है, जो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी चेंजेस एज पर द सोशल स्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये कहते हैं कि जो इंडियन डेमोक्रेसी हैज डेवलप्ड यूनिक एट्रीब्यूट्स बाय वे ऑफ सोशल रिफ्लेक्सिविटी, लगातार इंटरेक्शन हुई है सोशल स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल और सोशल लाइफ के बीच में। एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इंटर जिसमें कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इंटरेक्टिंग विद ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड इन टर्न बोथ गेटिंग मॉडिफाइड। जैसे कि आप कास्ट सिस्टम को ले लीजिए मॉडर्न डेमोक्रेसी के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, और आप देखिए कि कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ने कास्ट को मॉडिफाई कर दिया, उसको पॉलिटिसाइज कर दिया, और कास्ट ने कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जो है कास्टिस्ट बना दिया। आप इसी तरह से रिलीजियन का आप देखेंगे तो कैसे कम्युनल पॉलिटिक्स में बदल जाता है और कैसे जो है पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजियन को पॉलिटिसाइज कर देता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसे रीजन के आइडेंटिटी को पॉलिटिसाइज कर देता है और कैसे जो है वो रीजनलिज्म जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जो है चेंज कर देती है, वो फेडरलिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करती है। तो ये सोशल रिफ्लेक्सिविटी है, इसी से हमारा इंडियन डेमोक्रेसी एक अलग फॉर्म में जो है हमें दिखता है, जो कि बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न डेमोक्रेसी से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपको एग्जाम लिखने में। और यदि आपने एग्जामिनेशन गाइड अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो कर लीजिए, यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लिखिए, आप लिखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने का। एंड थैंक्स, बी सेफ, बाय।